नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जहां एक तरफ कोरोना से देश लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब प्रकृति के कहर का भी सामना करना पड़ रहा है। देश के कई इलाके बाढ़ से ग्रसित हैं। बिहार के बाद अब मुंबई भी पानी पानी हो गई है। हाल ये है कि दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई है और बारिश को लेकर 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में रात भर से लगातार तेज बारिश हो रही है। यहाँ पिछले 3 घंटे लगातार भारी बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने पहले से ही 4 और 5 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसे देखते हुए मुंबई बीएमसी के साथ फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार की तड़के सुबह 3 बजे बताया कि पिछले 3 घंटों में मुंबई और आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। वहीं और भी तेज बारिश का अनुमान है। ऐसे में मुंबई को रेड अलर्ट पर रखा गया है। आईएमडी ने बताया कि तड़के सुबह 2 घंटों तक बिजली कड़क और बादल गरजने की आवाजें सुनाई देती रही। पिछले कुछ घंटों की बारिश में गोरेगांव, किंग सर्कल, हिंदमाता, दादर, शिवाजी चौक, बांद्रा टॉकीज और साइन रोड 24 पर जलजमाव हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दिन में 12:30 बजे के आसपास समुद्र में 4.45 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। बीएमसी ने लोगों को बीच पर या फिर निचले इलाकों में न जाने को कहा है। वहीं अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। विभाग ने मछुआरों को चेतावनी जारी की है कि यहां 4, 5 और 6 अगस्त को 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो देश में कई इलाके और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर मुंबई में भी भारी बारिश हो रही है, जहां पर 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।